नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े धर्मगुरु मौलाना वली रहमानी का हुआ इंतकाल। कई दिनों से बीमार थे मौलाना वली रहमानी। मौलाना वली रहमानी ने लगवाया था कोरोना का टीका। मौलाना वली रहमानी के इंतकाल के बाद लोगों में शोक की लहर। आज देश को एक बड़ा झटका लगा है। आज बड़े धर्मगुरु और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि मौलाना वली रहमानी की तबीयत एक हफ्ते से खराब चल रही थी। उन्हें तबियत बिगड़ने की वजह से पटना के पारस अस्पताल में आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। मौलाना वली रहमानी को यहाँ लगातार तबियत खराब होते जा रही थी और अंत में हुआ कि मौलाना वली रहमानी ने अपना दम तोड़ दिया। अस्पताल में ही मौलाना वली रहमानी ने अपनी आखिरी सांस ली। मौलाना वली रहमानी के गुजरने की जानकारी देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्विटर पर लिखते हुए बताया कि जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी साहब नहीं रहे। ये पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। सभी से दुआ और सब्र की गुजारिश है। आपको बता दें कि मौलाना वली रहमानी बिहार, ओडिशा और झारखंड के इमारत शरिया और अमीर शरियत के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मौलाना वली रहमानी की सेहत को लेकर कुछ देर पहले ही ट्वीट कर लोगों से उनके ठीक होने की दुआ की अपील की थी। ट्वीट में पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जानकारी दी गई थी कि मौलाना वली रहमानी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है और वो आईसीयू में भर्ती हैं। हालांकि इस ट्वीट के कुछ देर बाद ही मौलाना वली रहमानी के इंतकाल की खबर आ गई और इस खबर के बाद पूरे देश में लोगों के बीच शोक की लहर उमड़ गई। लोग मौलाना वली रहमानी को जन्नत अदा करने की दुआएं मांग रहे हैं और साथ ही मौलाना वली रहमानी की उन नेक बातों को याद कर रहे हैं जिसमें समाज में एकता और भाईचारा का संदेश दिया गया था। लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग आज भी उन्हें याद कर रहे हैं और उनके बताए गए रास्तों पर चल रहे हैं। और ऐसे में मौलाना वली रहमानी के इंतकाल के बाद न सिर्फ बुजुर्गों में बल्कि युवाओं में भी खासा दुख देखने को मिला है। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से वह बीमार चल रहे थे। उनका इलाज पटना के पारस अस्पताल में चल रहा था। जानकारी के मुताबिक उन्होंने कुछ दिन पहले कोरोना वैक्सीन की डोज भी ली थी। बिहार सरकार में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के तैनात डॉक्टर अशोक चौधरी ने उनके इंतकाल पर दुख इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार, ओडिशा और झारखंड की इमारत शरिया और अमीर शरियत मौलाना वली रहमानी के निधन से वो स्तब्ध हैं। अक्सर उनसे मार्गदर्शन मिलता रहता था। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। मौलाना वली रहमानी के इंतकाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए एचसीएन न्यूज़। धन्यवाद।